नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गौमांश के मुद्दे पर चारों ओर से घिरे लालू प्रसाद यादव अब बाबा रामदेव के निशाने पर भी हैं। योग गुरु ने कहा कि लालू कृष्ण के नहीं कंस के वंशज हैं। रामदेव ने कहा कि लालू ने गौमांश को लेकर जो बयान दिया है उसने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति तो कंस का ही वंशज हो सकता है। बिहार की जनता चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। रामदेव ने यह भी कहा कि जब यूपी सरकार राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा सकती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। दादरी जैसी घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गौमांस खाने की अफवाह के कारण उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के बाद कहा कि भारत एक परिपक्व समाज है, हमें इस प्रकार की घटनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां तक देश की बात है तो निसंदेह यह देश की छवि के लिए अच्छी नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैंने यह भी कहा है कि वे इस संदर्भ में नीति बदल सकते हैं, इसलिए यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने या इस प्रकार की टिप्पणी करने से बचे। साक्षी महाराज के बिगड़े बोल, मां का अपमान नहीं सहेंगे, मरेंगे या मार डालेंगे। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जैसे हमारी अपनी मां है वैसे ही हमारे लिए भारत माता और गौ माता है। कोई भी यदि हमारी मां का अपमान करेगा तो मर जाएंगे या फिर मार डालेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के बयान के बाद साक्षी महाराज का यह बयान आया है। साक्षी महाराज ने कहा कि दादरी कांड पर राजनीति हो रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में साक्षी महाराज मरने मारने संबंधी बयान से पलट गए। उड़ते विमान में पायलट की मौत, सह पायलट ने विमान सुरक्षित उतारा। बोस्टन जा रहे अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान के पायलट की तबीयत खराब होने और फिर मौत होने के बाद विमान को आधे रास्ते से ही मोड़ दिया गया और सह पायलट ने न्यूयॉर्क में उसे सुरक्षित उतार लिया। अमेरिकन एयरलाइंस की प्रवक्ता एंड्रिया ह्यूलजी ने बताया कि फ्लाइट 550 रविवार को स्थानीय समयानुसार 11:55 पर फिनिक्स से बोस्टन के लिए रवाना हुई। विमान के पायलट की तबीयत खराब होने और फिर उसकी मौत होने के बाद सह पायलट ने सायराक्यूज में विमान को सुरक्षित उतार लिया। विमान में 147 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।